जावेद अख्तर की ट्वीट के बाद आरएसएस बीजेपी का हंगामा। अख्तर के घर के बाहर लगे नारे। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के ट्वीट के बाद भाजपा और आरएसएस के खेमे में भूचाल सा गया है, जिसके बाद जावेद अख्तर के जुहू स्थित सागर सम्राट बंगले के बाहर मुंबई पुलिस ने भारी बंदोबस्त बढ़ा दिया था। उसके बावजूद अख्तर के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जमकर आंदोलन किया। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक विशेष तरह की टिप्पणी करते हुए नारे लगाए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। आपको बता दें कि गीतकार जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस बजरंग दल वाले की विचारधारा तालिबान से मिलती है। इसी ट्वीट के बाद भाजपा खेमे में हलचल तेज हो गई। कई भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस मामले में भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने जावेद अख्तर के ट्वीट पर माफी मांगने को कहा है। अगर माफी नहीं मांगते तो जावेद अख्तर को पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। आरएसएस वीएचपी की तालिबान से तुलना कर जावेद अख्तर जी ने हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मेरी ये मांग है कि हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए करने के लिए उन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए, अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। और मेरी उनको ये चुनौती है, बहुसंख्यक हिंदू समाज रहने वाले भारतवर्ष में रहकर वो तालिबान की आलोचना करते हैं, जो मन में आते हैं वो बकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाके वो तालिबान की आलोचना कर सकते हैं। और इसके लिए जावेद अख्तर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदू समाज के सहनशीलता का आप अंत मत देखिए। ये भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसके लिए जनतंत्र बरकरार है। आप आपके स्टेटमेंट वापस लो, हिंदू समाज की माफी मांगो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ये मैं उनको बताना चाहता हूं।